लगा। मैंने कुछ नहीं, तुम डर इतना रहे हो यार, जो ड्रॉप टॉप पे बैठे थे इतनी हिम्मत। सो गाइस, जरीन बिल्कुल जी आगे बैठी है। ये 151 नेक्स्ट सेशन, जो कि मोटे लोगों को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत है। जी जी बिल्कुल। आज हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने के लिए, पार्क जा रहे हैं। सो फिर चलते हैं, संडे भी है। सो फिर लेट्स गो, आई एम वेरी एक्साइटेड गाइस। अभी से ही सोच रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें बैठना है। सो चलते हैं फिर। सो गाइस चलें फिर चलते हैं जी, लेट्स गो। फाइनली जी पहुंच गए हम लोग सिंधबाद। सो चलते हैं जी, शॉपिंग टिकट लेने गया हुआ है। तो अंदर तो जून जुलाई की वजह से जो है बच्चों की छुट्टियाँ भी स्कूल की, और ऊपर से जो है ना मसला ये है कि जो है रश बहुत ज़्यादा है। संडे का दिन भी ये भी है, कुछ लोगों को जून जुलाई मतलब बच्चों को मिलती हैं छुट्टियाँ, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं उनके फिर जॉब वगैरह से। तो मेरे ख्याल में तो आज बहुत ज़्यादा रश है। देखते हैं क्या चीज़ होता है यार, रात को ज़्यादा मज़ा आता है दिन के बारे में, क्योंकि लाइट्स वगैरह होती हैं। तो आई गेस नाइट इज़ बेटर देन डे, बट सही है। कोई नहीं, चलते हैं फिर अंदर। इस तरह खुशी है, काफ़ी एक्साइटमेंट है, थोड़ा पार्क वगैरह घूमते हैं, थोड़ी रात भी हो जाएगी, लाइट्स वगैरह चल जाएंगे झूले वगैरह की, देन उसके बाद जी और फिर करेंगे झूले वगैरह लेंगे। आप ले लो हमसा, मामा आप ले लें, मामू टिकट ले लें, शाफिन टिकट ले लो, उरेन टिकट ले लो। तो आ जाओ, आ जाओ, क्या हो गया। चलो चलो आ जाओ, चलें चलते हैं गाइस अंदर टिकट दे दे कर। ओके चलें, चलो चलो चलो, टिकट लाइन में रश नहीं है गाइस, आई एम वेरी एक्साइटेड। चलिए देखते हैं जो हम सबको टिकट वगैरह ये लगी, टिकट दे दी और जी फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने एडवेंचर लैंड में गाइस। मतलब इतना रश है यार, तो बहुत ज़्यादा ही रश है। ये कौन सा झूला है गाइस, वो वहाँ पे देखें, ये न्यू है। वो क्या है जरीन, वो जो ये रेलवे बना हुआ है पता नहीं क्या ऊपर जा रहा है। ओ माय गॉड, ये कौन सा झूला बना रहे हैं यहाँ पे, ये देख वो जो ये नहीं जा रहा यूं ट्रैक वो। चलो कोई नहीं, हाँ देखते हैं गाइस। सो गाइस यहाँ पे जो है फ्लाइंग, जो है मिनी फ्लाइंग बस जो भी कह सकते हैं इसको, वो है जरीन अंदर के अड़े एक्सट्रीम बाउंस। ओ माई गॉडनेस, यहाँ पे बाउंस भी हो गई, वाह 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 वाह। और वहाँ पे देखे गाइस ये पता नहीं क्या है, ये वाला झूला उनसे इस पे बैठे, इस वाले पे ये टूटा हुआ है पता नहीं क्या यार, ये बड़ा मजे का झूला है। हाँ शायद बंद पड़ा है, ये पता नहीं क्या बना रहे हैं वो। देखो ये वाला जो ऊपर से यूं वाला है पता नहीं क्या है, खतरनाक। ये रहा कराची बाउंस उनसे, सॉरी खाली बाउंस। ये देखो ये इस पे बैठे, ये बड़ा मजे का लग रहा है। हाँ उसकी तरह ही है। सो अब देखते हैं गाइस क्या होता है। ये देखिए गाइस ये कैसा झूला है, कसम से डर लग रहा है, काला सड़ा हुआ पड़ा हुआ है। खैर कोई नहीं, हमारा जहाँ तक टारगेट है बैंड आज हमने नहीं लिया, क्योंकि जो बैंड में मेन राइड्स हैं वो है ही नहीं, कह रहे पूरा जो है अड़े यार लेते हैं बैंड। खैर चले कोई नहीं, हमें कुछ राइड्स लेनी है ज़्यादा नहीं, तो फिर देखते हैं और क्या क्या ले सकते हैं हम लोग। सो गाइस यहाँ पे इसकी टिकट वगैरह पूछी है ना मेरी मामा गाइस में। तो फ्रेंड्स अब जो है ड्रॉप टॉवर पे बैठते हैं। मम्मा मुझे बैठने नहीं दे रही यार, उनसे क्या बदतमीजी है गाइस, मुझे मम्मा नहीं बैठने दे रही। अच्छा अच्छी खासी हमने इस राइड के पैसे लिए कि मामू और मम्मा इस मुझे पैसे दे, मुझे ना इस राइड पे बैठना है। मम्मा ने उनसे इस पे बैठे, वो क्या सीन है, वो जो ब्लू वाला है इस पे बैठे क्या, ड्रॉप टॉवर मम्मा मुझे बैठने नहीं दे रही यार, बैठे मम्मा यार गाइस मम्मा ड्रॉप टॉवर पे बैठूंगी गाइस। मम्मा मुझे दूर से यूं यूं कह रही हैं तू बेटी मेरी बेटी नहीं है यार, मम्मा बैठने नहीं दे रही। मम्मा आप भी बैठे झूले में, ड्रॉप टॉवर में बैठेगी आप गाइस। मम्मा कह रही हैं कि नहीं मैं नहीं बैठूंगी, मेरी तबीयत खराब होगी झूले में बैठने से। बैठे उस पे टिकट तो लेने देना बहन। सो गाइस हम वो एरोप्लेन वाला झूला देख रहे हैं और कह रहे हैं इस पे बैठे, लेकिन यार इसमें मज़ा ही नहीं है इतना यार, इसमें उनसे मज़ा नहीं है।
इस पे बैठे या ड्रॉप टॉप पे बैठे चल के? ड्रॉप टॉप गड्डियाँ चक्कू दे यार गाइज, सही है मैं ड्रॉप टॉप पे बैठूँ। सो गाइज आज हम लोग उस झूले पे चढ़ेंगे जो हमने ट्राई नहीं किए हुए, वो ऑलरेडी जो है ना गाइज ये जो झूले ना वो न्यू बन चुके हैं। ये वाला पोर्शन जो है ना तकरीबन जी गाइज सारा ही न्यू है, सही है। सो इस वाले पोर्शन में हम लोग बैठेंगे, ड्रॉप टावर पे बैठेंगे, जरूरी है वो ड्रॉप टावर, तो उस पर जरूर बैठेंगे। बाकी जो है और झूलों का देखते हैं क्या होता है। लाइट चल गई ना? हाँ बस सही, अच्छी बात है। सो बाकी जो है यार किस पे बैठे हैं कुछ डिसाइड करो, येलो वाली बैठे हैं, चलो टिकट लेते हैं और बैठते हैं येलो वाली पे, ऐसे यार बलून बाजी। ओके जी अब हम बैठने लगे हैं इस वाली राइड पे। सो ये जी है राइड और फिर बैठते हैं अल्लाह उनका। यार पता है क्या, असल में हम अभी झूलों पे जाते नहीं गाई और मुझे ना बहुत डर लग रहा है किसी झूले पे बैठने से भी ना, बड़ा ही थोड़ा सा कोई नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, चल चल चलते हैं गाइस और बैठते हैं चल के इस वाली झूले, इस वाले बैठते हैं। यार ये तो ऑलरेडी उनका यू 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 हाँ साथ नहीं अब यार कुछ नहीं है, बैठो आज सर बैठो यहाँ से, कोई नहीं यार देखो टिकट नहीं है, टिकट एक्सचेंज नहीं हो सकती, ठीक है अब बैठो चुप करके, जैसा भी है अब बैठो, कुछ नहीं होता उनका, कुछ नहीं होता यार, अब तुम डर से रही हो भोली कहीं की। चलो और अब जी बैठते हैं और चलो भाई यार उनको बोलो हमारी वीडियो बनाना नीचे से यार, नहीं ये लोग लॉक नहीं करेंगे, लॉक नहीं लॉक करेंगे, वो अंकल आए ना पहले झूला चलाने वाले। तो गाइस अभी हम लोग इस पर बैठे हैं, एक टिकट आपकी एक मेरी है, पक्के कर पकड़ लो। सो गाइस अभी इस पर आकर हम लोग बैठे हैं एंड आई एम लिटिल बिट स्केयर नॉट टू मच, सो चले फिर बैठते हैं चल के, बैठ तो गए खैर। ओके सो चलें अब अंकल आ रहे हैं जी टिकट लेने। सो गाइस टिकट दे रही है, झूला जी चलने लगा है, झूला अच्छा चलने लगा है। नहीं कुछ नहीं तुम डर इतना रहे हो यार, जो ड्रॉप टॉप पे बैठे थे इतनी हिम्मत करके, तो ये क्या है, नथिंग यार कुछ भी नहीं है ये। सो इस पर बैठ चुके हैं हम लोग गाइस, सो गाइस चलें भाई बैठ चुके हैं और ये अरे यार कुछ नहीं। ओके जी तो गाइस हम लोग जैसे यार देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा ऊपर और होते जा रहे हैं, और अगर ये जरीन को जी कुछ नहीं हो रहा और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैं ज्यादा ऊपर नीचे नहीं देखना चाहूंगी। जैसे जी कह रहा है निकालो ऐसे ना, मेरी अम्मी जान डरे अब बहुत होगा भाई, उसको लगने लगा डर। सो यार मजा आ रहा है वैसे बाद में। सो गाइस अब जो झूला रुक चुका है पूरे तरीके से और अब नीचे जा रहा है, तो बा अल्लाह चक्कर आ रहे हैं यार, इतना कुछ मजे का नहीं था है ना, फालतू में बैठे इसका यार। वो झूला अच्छा है देखो जो पीछे घूम रहा है, झूला रुक चुका है बस खाली नीचे ही जाएगा अल्लाह, तो बा देखने से तो ऊपर डर लग रहा है ऐसा बना हुआ ऐसे क्यों हो रहा है, नीचे जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं यार। इतना कुछ खास नहीं था, कुछ बच्चों वाली राइड थी तो इस पर मैं आपको कुछ कहूँगी नहीं, सही राइड नहीं थी यार ये, इतना ही कुछ मज़ा नहीं है, इससे अच्छा हम लोग यहाँ पे नहीं। चलो कोई नहीं ड्रॉप टावर पे बैठते हैं चल के, हमारी नेक्स्ट राइड होगी ड्रॉप टावर, हाँ उधर ही चलते हैं ड्रॉप टावर पे बैठते हैं क्योंकि उस पर मज़ा आता है यार, ये कोई फालतू ही राइड है बस रुक गई, मज़ा नहीं आया। सो मज़ा नहीं आया जी मेरी खाला जान को, खाला जान लॉक खोलने की भरपूर कोशिश करते हुए मगर खोल नहीं रहा खाला। ओहो ओहो स्टाइल स्टाइल दे। ओके गाइस बैठी क्यों, आ जाओ आ चले। तो गाइस अभी जो है अभी मैंने बोला मामा मैं नर्वस हो गई थी, मामा मुझे कहती नर्वस मतलब खिलाड़ी, लेकिन यार कोई नहीं मामा मेरी मेरी बहन के साथ बच्ची हो रही है, मेरी मामा नहीं जवान है नो गाइस। सो अभी जो चलते हैं, आ जाओ ड्रॉप टॉप पे बैठने चले मामू चले, आप लोग की तो पिक्चर्स ही नहीं खत्म हो रही, वाह 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 खाला भी खड़ी हो गई, बाकी मेरी अम्मी जान ने क्या कसूर किया, उनको भी बुला लो पिक्चर में। गाइस मजाक कर रही हूँ ऐसे ही, चलते हैं गाइस ड्रॉप टॉप गड्डियाँ चुकुम दे यार, ये तो फालतू ही झूला था कसम से, तुम मुझे मजा नहीं आया इससे अच्छा बैठते ही नहीं, इससे खैर बड़ी ड्रॉप था। चले आओ ना यार आप लोग की पिक्चर जी नहीं खत्म हो रही है जी, चलो आपकी पिक्चर जी नहीं खत्म हो रही शॉपिंग चले जी। सो गाइस आ जाओ उनसे वो हवाई गाइस चलते हैं हम लोग यहाँ से इसको और जिस तरह देखते हैं आप चल के, यहाँ मम्मा जान यहाँ पे आप कहाँ लेके जा रही हैं,
यहाँ से चढ़वाएंगी? यहाँ से चढ़े? अजीब सा झूला है, चलें फिर चलते हैं डॉक्टर की टिकट वगैरह लेते हैं। सो गाइस अभी जरीन बैठी हॉर्स पर, बेटा जाओ ना, आ जाओ, जगह ही नहीं है। क्यों नहीं है जगह? यहाँ से तुम्हें दिख रही है, आगे और होगी जगह। गाइस ये जरीन भी बड़े नखरे करती, कोई मिस नहीं, नेक्स्ट राइड पर चली जाना, ये बेटा झूला भाग नहीं रहा, आई समझ? तो गाइस आ जाओ, आ जाओ, तुम आप लाइन में लग जाओ, इसकी लाइन होती है गाइस। तो मोबाइल जाओ, मोबाइल मम्मा को दो। गाइज हॉर्स वाली राइड की ये टर्न जो है फुल हो गई, सो अब जी नेक्स्ट जो है राइड पे जी सरीन को बिठाएंगे, बाकी टिकट वगैरह ले लिए मेरे हाथ पर, ड्रॉप टावर की टिकट, यानी पैसे उसके लिए टिकट लेते हैं फिलहाल, ये पहले झूला वगैरह चल जाए फिर उसके बाद जी गाइज चलते हैं हम लोग भी ड्रॉप टावर पे। तो गाइज मैं और वो उनका तो आ गया इधर, लेकिन बताए क्या मसला, ये मम्मा और शाफिन मामू का भी उधर है, तो अभी टिकट नहीं ले रहे क्योंकि मैं फ़ोन लेके जो है रिस्की काम नहीं करूँगी, फ़ोन लेके ड्रॉप टावर पर नहीं जाऊँगी। तो एक काम करते हैं, मम्मा आए तो मम्मा को फ़ोन देंगे और फिर उसके बाद जाएंगे टिकट भी लेते हैं, देखते हैं वो लोग आए तो एक बार मशवरा कर लेते हैं। यार मेरा दिल तब भी नहीं मान रहा, मैं सिर्फ उनसे क्यों जा सके, क्रेजी बस में बैठ जाते हैं, कोई नहीं, तुम बड़े ड्रामे कर रही हो। अच्छा उसमें बैठे टोरंटो पे जो गोल घूमता है, बैठा उससे मरूंगी ना, तुम्हारे गले में पड़ेगा बेटा। चले बैठते हैं चल के, और क्या, फिर फिलहाल मम्मा आए फिर उसके बाद अभी जो है उनका वेट करते हैं, क्योंकि जरीन और सारे झूले पे गई हुई है और पता नहीं उसकी उनसे उसमें बैठे कश्ती बैठे मुझे यूँ होती है, नहीं उसमें नहीं अभी उस पर आपकी। सो गाइस दो तीन राइड्स ड्रॉप टावर की चल चुकी हैं, जिसमें पता है कब से हम लोग देख रहे हैं लेकिन मम्मा वाले अभी तक आए नहीं, उनको लगता है शायद हम लोग घूम हो गए हैं, पता नहीं क्या सीन है। तो अब चल के देखते हैं, ऐसे ना हम लोग जाए और डांटे, अगर ऐसा हो मैं कहूँ मुझे उनसे लेके गई थी। चले अब चलते हैं यार, हैं कहाँ, नजर ही नहीं आ रहे बिल्कुल, चलते हैं और देखते हैं गाइस कहाँ है फिर, लेट्स गो यार। सो गाइस अभी डिपेंड में लगे ड्रॉप टावर पे, फाइनली मम्मा ने जो है जरीन को फ्री करवा लिया घोड़े वाले झूले से, कसम से रो रही थी, कह रही है मुझे झूले पे बिठाओ, झूले पे बिठाओ, ये क्या गोल घूम रहे हो, चलो ना। सो गाइस अभी एक ड्रॉप टावर बैठेंगे, फिर उसके बाद एक और राइड लेंगे गोल वाली टोरंटो वाली, देन उसके बाद जी गाइस टोरंटो नहीं गोल वाली कब का नहीं कह रहा है मुझे मम्मा, एक और राइड लेंगे। तो फ्रेंड्स अब जी हम लोग चलते हैं ड्रॉप टावर, फाइनली जिम के सारे काम काज खत्म हो चुके हैं। सरी आप क्या करोगे बेबी? क्रेजी बस यार उनसे बैठे क्रेजी बस पे, बेटा अगर मुझे कुछ हुआ तेरे गले में सब, मैं अभी वीडियो में गाइस तेरे प्रूफ पड़ा है। ओके चलते हैं और जी चल के बैठते हैं। तो गाइस झूला किस तरह ऊपर जा रहा है यार, ओ माय गॉडनेस यार, चीखे मैंने फूल निकालनी है भाई, जो बात है चलें फिर चलते हैं गाइज, यार आसमान चेक करें जबरदस्त। सो गाइज टिकट्स ड्रॉप टावर की ले ली है, बस चलते हैं और बैठते हैं चल के, मैं फ़ोन नहीं ले जाऊँगी रिस्की है, सिर्फ अच्छा है। तो फिलहाल के लिए भाई डर लग रहा है थोड़ा, लेकिन कोई नहीं अभी मैंने। सो गाइस जरीन बैठेगी क्रेजी बस पे और फिर से जो है नथिंग गाइस, बस ये झूला रुक जाए तो फिर जरीन अब बैठने जाएगी। हाँ जी जरीन जा भाई जा जा जा, ओ भाई साहब। सो गाइस जरीन यहाँ पे, जरीन जाओ जाओ, जरीन अब जी बैठ रही है और सो गाइस जरीन जरीन बिल्कुल जी आगे बैठी है, ये 150। सो गाइस जरीन बैठी है और अंदर की तरफ बैठी है, पता नहीं क्या, एक तो बच्चे इतनी चीख निकाल रहे हैं जैसे तो कोई क्या कहूँ अब। सो
जरीन गाइस अंदर बैठ गई है, मोटी सी आंटी ने उसको अंदर घुसेर दिया है। चलो कोई नहीं, और इसके बाद अब जी तो इसमें देखते हैं हम लोग लास्ट राइड कौन सी करते हैं, फिर उसके बाद जी देखते हैं ड्रॉप टावर के बाद मुझे आज सर में दर्द होने लगा है। उसके भाई मुझे इतना अजीब सा कुछ झूला है ना, रूह निकलने लगती है। सो खैर अब चलते हैं घर, बहुत घूम फिर लिया, मज़ा आया बहुत ज़्यादा, तो फिर चलते हैं। सो फ्रेंड्स जाते जाते मेरी एक चीज़ पे नज़र पड़ गई, वो चीज़ ये तो जो गाइस यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, सो अब मुझे नहीं पता, लेकिन जो है इनसे पूछते हैं इनकी एक जी आप फिटनेस के बारे में, तो इनकी एक जी खड़ी हुई है लड़की, तो इनसे पूछते हैं आकर, यानी तो फिर आकर पूछते हैं जी आज हॉलिक्स की तरफ से 40 डेज का कैंप हो रहा है जी, फिटनेस सेशन, जो कि मोटे लोगों को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत है जी जी बिल्कुल, गेम्स के थ्रू और इसके अलावा एक्सट्रीम वर्कआउट्स और इसका जो हमारी लोकेशन है वो सिंहबाग के बराबर में, जो पावर प्ले है वहाँ वही हमारी लोकेशन है। टाइमिंग इसकी 9 to 10 है, आप वहाँ पर देख सकते हैं जी, और एड्रेस भी आप हमारा वहाँ पर थोड़ा सा शो कर दीजिए, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जी, कॉन्टैक्ट नंबर है दानिश मियानू के नाम से, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, और एड्रेस लोकेशन जो है ये है सिंधबाद गुलशन ब्लॉक 1 पावर प्ले जी। हाँ सो गाइज आप लोग ज़रूर यहाँ पे जी कॉन्टैक्ट कीजिएगा। सो चले फिर चलते हैं। सो गाइज इसके बाद जी वो एडवर्टाइजमेंट अपनी करवा रही थी, तो हमने बोला चलो बना ही लेते हैं इनका सिंधबाद एक्सट्रीम जो है, चलते हैं हम यहाँ से। ओके जी, तो गाइज फाइनली पूरा घूम वगैरह लिया और अब चलते हैं यार एक्सट्रीम बाउंस, ये जो है यहाँ पे आएंगे इंशाल्लाह शॉपिंग, मैं माँ पापा और जरीन, ये बाउंस करने में काफ़ी मज़ा आता है। अंदर खाली ऐसे गर्मी होगी, पता नहीं एसी लगा हुआ होगा भाई, खैर मुझे अभी सही है, टेंशन लग गई, कोई नहीं चले फिर। अच्छा तोबा ये क्या चीज़ है, इतनी गंदी जी भाई, ये क्या है। सो गाइस चले फिर चलते हैं, लेट्स गो घर चलते हैं। शॉपिंग को बिठाना ज़रूरी था, अब अकेला बैठना तो मुझे आपके साथ बैठना ठीक है नेक्स्ट टाइम। सो खैर कोई नहीं, सर में बहुत शदीद किस्म का ट्रीटमेंट वगैरह की, चलते हैं घर स्को वाइज थोड़ा सा। घर वगैरह हम लोग तो आ गए थे, लेकिन पता है क्या, मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, मुझे लग रही थी बहुत गर्मी, तो मैंने बोला चलो थोड़ा सा ना कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ, ज्वेलरी वगैरह उतार ली, मुँह वगैरह धोया। सो अब जो है गाइज जैसे घर आई हूँ, तो मुझे मैंने बोला ना मुझे आधी रात को भूख लगे, जिस टाइम मैं कुछ कर भी ना सकूं, तो इससे अच्छा है कि मैं अभी ही नूडल्स वगैरह बना के खा लूं। फ्रेंच फ्राइज पड़े थे कुछ, मैंने बोला कि क्या मैं फ्राई वगैरह करूं कोई चीज़ उठा कर वहाँ से, चिकन या समथिंग कबाब, या मैं जो है पहले मुझे ये आइडिया आया कि मैं दूध और बिस्किट वगैरह जो है ना ले लूँगी, लेकिन फिर मैंने बोला कि यार ऐसे ना भूख लगे, तो खाना तो बाहर से खा, मतलब खाना बाहर से प्रॉपर खाना नहीं, रिफ्रेशमेंट की थी समोसे और रोल और जो है फ्रेंच फ्राइज से। तो अब जो डबल प्लेट्स मैंने 100 वाली फ्रेंच फ्राइज ही खाई, इसके बाद जो है 2 समोसे लिए, उस वक्त मुझे बड़ी भूख लग रही थी ठीक है। तो अब जो है गाइज मैंने सोचा कि चलो अब मैं थोड़ा कुछ कर लेती हूँ, ऐसा ना हो फिर मुझे रात को भूख लगे, मॉम को तंग करूँ जरीन की तरह, तो मैं बना लूँ जी नूडल ब्लाजिन, और देखते हैं कि कैसे बनते हैं, ज़्यादा मिर्चें ना हो तो बेटर रहेगा, या तो अभी से ही मैं अपना दूध जो है ना फ्रीज़र में फुल ठंडा कर देती हूँ, ताकि यार मिर्ची ना लगे गाइज। तो रेडी होते हैं फिर देखते हैं कि कैसे बनते हैं हमारे नूडल्स। सो फ्रेंड्स नूडल्स तो मेरे फाइनली जी रेडी हो गए हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ यार ये तो इतने ज़्यादा लाल हो गए हैं, मैंने मसाला भी नहीं डाला ज़्यादा और नूडल्स की भी क्वांटिटी कम ही थी। सो लेट मी शो यू गाइस, ये देखें नूडल्स तो भाई कुछ ज़्यादा ही लाल हो गए, लेकिन मुँह में पानी आ रहा है कसम से, ट्राई करके देखते हैं। अब तो सही लगते हैं, 2-3 चम्मच के बाद जो है ना ज़्यादा मिर्ची लगती है, पता नहीं इस बार तो लगता है कुछ ज़्यादा ही लाल मिर्चें इन्होंने डाल दी हैं, या फिर ये फ्लेवर कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। सो खैर नूडल्स खा के फिर सोना ही है, और क्या
सो कैसे लगे आज वीडियो, अच्छी लगे इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा एंड मेक श्योर प्लीज सब्सक्राइब लाइक कमेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा, टेक केयर और सेल्फ, बाय गाइस।